नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करीब 8 महीने बाद मिले हैं। नीतीश कुमार की छवि ही ऐसी बन चुकी है कि मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी थोड़ा एक्स्ट्रा बोलकर चर्चाओं को हवा दे दी है। ये सब फीका है जब तक राहुल गांधी लूप में नहीं आ जाते। बात इसी मुद्दे पर होगी और फिर से नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार, मैं आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात कोई अचानक नहीं हुई है, हो सकता है ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये पहले से तय थी। हाँ, ये किसी खास मकसद से मिलने का बहाना जरूर हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग को लेकर बताया गया है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। असल में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बनी कमेटी में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं। मुख्यमंत्री कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और सभी मिलकर किसी एक नाम को फाइनल करते हैं। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जानकारी दे दी जाएगी। मीडिया को तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि कुछ नियुक्तियां होनी हैं जिन पर चर्चा हुई है, सरकार की तरफ से विधिवत इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने जो बताया है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही है, और इस एक्स्ट्रा की खासियत ये है कि मुद्दा जातीय जनगणना से जुड़ा है। 2022 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जातीय जनगणना के मसले पर भी बात और कुछ मुलाकातें हुई थी, और फिर अचानक एक दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए। क्या फिर से बिहार की राजनीति में वैसा ही खेल होने जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर बीजेपी खेमे में भी हलचल बड़ी महसूस की गई है, और लालू यादव ने भी विधायकों की मीटिंग बुला ली है। जातीय जनगणना का मुद्दा फिलहाल बिहार ही नहीं देश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण मसला बन चुका है। वैसे नींव तो बिहार में ही पड़ी है। बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव के साथ वाली सरकार में ही कराया था। तब नीतीश कुमार ने ऐसा ताना बाना बुना था कि बीजेपी को भी कदम कदम पर हाँ में हाँ मिलाना पड़ा था, और अब भी बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर बचाव की ही मुद्रा में नजर आती है। अब तो बीजेपी के मात्र संगठन राष्ट्रीय सेवक संघ ने भी बोल दिया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, सिर्फ शर्तें ये हैं कि इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मुमकिन है क्या? सवाल है ये। लेकिन यहाँ एक पेच भी फंसा है। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात भविष्य की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, कोई खास संकेत भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं। अब नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो वो वैसे भी सुरक्षित कर चुके हैं, लेकिन क्या नीतीश के लिए तेजस्वी से ज्यादा राहुल गांधी महत्वपूर्ण है? ये भी बड़ा सवाल है। वो दिन गए जब नीतीश कुमार लालू यादव से मिलकर या राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होकर पाला बदल लेते थे। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा एक बार फिर बड़ी हो गई है। 2013 से पहले वाले दौर की तरह जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे और एनडीए के प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे थे, बीजेपी ने नीतीश कुमार की मांग तो मान ली, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव से हाथ मिला लिए, लेकिन नीतीश कुमार अब तक लालू यादव के साथ का भी और बीजेपी के साथ का भी भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत तक नहीं पहुंच पाने का नीतीश कुमार को फायदा मिला है। एक बार फिर वो बार्गेन वाली पोजीशन हासिल कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से जो मिल सकता है वो तो मिल चुका है। अब इंडिया ब्लॉक क्या ऑफर दे सकता है? क्या आगे की राजनीति उसी रास्ते पर बढ़ने वाली है? ये सवाल बना रहेगा, लेकिन आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।